आज 11 अक्टूबर के दिन उल्लासनगर शहर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुमार आलानी के लिए प्रचार करने के लिए गोल मैदान पहुंचे हुए थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस का जो हेलीकॉप्टर है वो आर्नेस फैक्ट्री के हेलीपैड पर वहां पर उतरता है और करीबन वहां पर वह 5 बजे पहुंचते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीएम को रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस अपने कारवा वहां के अपने जो उनके साथ पुलिस गाड़ियां और जो बंदोबस्त दिया जाता है उनकी वहां पर उस गाड़ियों में बैठकर वह किस तरह अपने काफिले में बैठकर उल्लासनगर के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद उनका जो काफिला है राधा स्वामी सत्संग हाल तक पहुंचता है। उसके बाद वहां से वह टाउन हॉल तक पहुंचता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की जो काफिलों की गाड़ी है वो उल्लासनगर के रास्तों से गुजरती हुई ये दर्शाती है कि उल्लासनगर की रास्तों की स्थिति काफी खराब है। उसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का काफिला नेहरू चौक पहुंचता है और उसके बाद गोल मैदान। ये जो आपको हम विजुअल दिखा रहे हैं ये पूरा विजुअल सीएम साहब जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं उसका उसके बाद वह किस तरह गोल मैदान तक पहुंचते हैं ये पूरा विजुअल ये थाने सरकार की न्यूज जो आपको पूरे अपने न्यूज चैनल में दिखाएगी ये पूरा विजुअल आप अच्छी तरह देख लीजिए। किस तरह सीएम के काफिले की कितनी गाड़ियां होती है कितनी पुलिस बंदोबस्त की उनके साथ गाड़ियां रहती है और उसके बाद वहां के प्रचार सभा में कौन कौन लोग आए हुए थे और देवेंद्र फडणवीस सीएम ने उल्लासनगर के लिए क्या क्या कहा आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी प्रचार सभा में वह कुमार आलानी के बारे में क्या कहते हैं और शहरवासियों को ये पूरा विजुअल थाने सरकार के न्यूज में पूरी तरह से दिखाया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए थाने सरकार न्यूज महेश मूल चंदानी। देवेंद्र फडणवीस बाबा Yeah.
कोई छोटे छोटे झगड़े हो गए उसके साथ में टीम मूवी चलाने के किसी न किसी का नाम जोड़ा गया है, तब आपको सुरक्षा की याद नहीं आ गई। महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी के बीच हमारी शहर उल्लासनगर में आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पहार के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर, हिंदू विश्व सम्राट बालाजी ठाकरे जी की प्रतिमा पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर, श्यामा प्रसाद जी की प्रतिमा पर, मुख्यमंत्री जी आप सभी के सामने हैं। मैं गुजारिश करूंगा श्री कुमार अडानी जी से और गुरू जदौनी जी से कुछ का कुछ देकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उल्लास नगर में स्वागत करें। ये शिव मंदिर गुलाब नगर अमरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर की प्रतिमा ये आशीर्वाद है। फिर से एक बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनकर इस महाराष्ट्र की विकास और सुरक्षा को गति देने का। हमारे बीच में लेजेंडरी ग्रुप के महेश भाई अग्रवाल जी उत्तम रूपचंदानी जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा उन्हें कुछ पूछ लेकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूँ। शिवसेना पार्टी के दिग्गज नेता रमेश चौहान और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भाजपा नेता राकेश मुखिया जी हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत है।
यहाँ पर उपस्थित है गाँव हैराम जी यहाँ पे उपस्थित है तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उपस्थित सर्व मान्यवर प्रिय बंधूंनो आणि भगिनी, मी आपल्याला विश्वास देतो राज्यभर महायुतीची जी हवा आहे, राज्यभर आपले उमेदवार ज्या जिद्दीने या निवडणुकीला सामोरे जात आहे त्यातून असं जाहीर होतंय की मोठ्या प्रमाणावरती महायुतीचे उमेदवार विजयी होणार आहेत आणि महाराष्ट्रावरती पुन्हा एका महायुतीचा झेंडा फडकणार आहे, त्याचं नेतृत्व देवेंद्रजी करणार आहे। या ठिकाणाहून सुद्धा कुमार ऐरानीजी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देतो मी आणि इथं मी अधोरेखित करतो की तुमचा देखील विजय या ठिकाणी 100% झालेला आहे असं तुम्ही सांगा। सर्व झोपडपट्ट्यांचं पुनर्वसन करण्याचं धोरण आपण स्वीकारलेलं आहे, ज्या झोपडपट्ट्यांच्या वरती राहत्या लोकांची नावं नाही त्यांची नावं त्या ठिकाणी काढण्याचा निर्णय त्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेला आहे आणि त्यामुळं सर्व तीन दुव्या लोकांच्या प्रश्नावरती रिपब्लिकन पक्षासहित मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, राज्यमंत्री श्री रवींद्र चौहानजी, खासदार श्रीकांत शिंदेजी, आमदार किशन कथोरे साहब, आमदार बालाजी किनकरजी, जगन्नाथ पाटिल साहब, मंच में बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, बहुत ही खुशी की बात है जो आज पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई की सत्ता बनी पहली बार आज हमारे जयसिंह बाद चीफ मिनिस्टर आज उल्लासनगर में आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे लिए अपील करने के लिए आज कुमार ऐरानी को भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई स्थायी पक्ष यूटी के तरफ से मुझे आज उम्मीदवारी दी है। मैं आज उल्लासनगर के ऊपर मेरे ऊपर इतना भरोसा रख के जो मेरे आज मुझे टिकट दी, मैं आज उल्लासनगर वासियों को कहना चाहता हूँ कि उल्लासनगर वासियों की जो भी उल्लासनगर की जो समस्या है, जो भी उल्लासनगर की चाहे रस्तों की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है या धोखादायक बिल्डिंगों का विषय या सेंट्रल हॉस्पिटल में जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना के नई हॉस्पिटल बनाने का, उल्लासनगर में चाहे पानी की समस्या हो चाहे बिजली की समस्या, हर समस्या को दूर करने के लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि उल्लासनगर का जो भी मसला है मैं आपको दूर करके दूंगा। इस उल्लासनगर के रोड चाहे बिल्डिंग, मैं पूरे उल्लासनगर की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। उल्लासनगर वासियों की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस हमारे कुमार ऐरानी जी के प्रचार सभा में वो यहाँ आए हैं और कुमार को आशीर्वाद दिया। इसका मतलब
जीत पक्की है, विजय निश्चित है। आणि म्हणून येत्या 21 तारखेला ही निवडणूक होते आहे। 21 तारखेला संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आहेत आणि म्हणूनच त्या जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार आहेत त्या त्या ठिकाणी आपल्याला प्रामाणिकपणे काम करायचं आहे। काही ठिकाणी बंडखोरी झालेली आहे, परंतु मी कल्याणच्या सभेत देखील सांगितलंय, या उल्हासनगरमध्ये देखील कल्याण पूर्वचा भाग येतो, अंबरनाथचा भाग येतो। माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे, जो बंडखोर कोणी अभी नाही देखो, हमें महायुती का जो कैंडिडेट है, अधिकृत उम्मीदवार है, जिसके पास निशानी धनुष बाण और कमल का फूल है, उसको ही वोट देना है, उसका ही काम करना है और एक इतिहास हमें बनाना है। और यही मैं वादा मुख्यमंत्री जी से करता हूँ, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, वंदे आयो लाल सभी कयो, जो बोले सो निहार। हिंदवी स्वराज्य के सर संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको मैं नमन करता हूं। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इन्हें मानवंदना अर्पित करता हूं। सभी बहनों भाइयों, जिस बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हैं और मैं उल्हासनगर आया तो पूरे रास्तों पर सभी जगह लोग उत्साह से स्वागत कर रहे थे। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाली 24 तारीख को कुमार ऐलानी ये बहुत बड़े वोटों से चुनकर आने वाले हैं। वैसे भी दोस्तों, इस चुनाव में कोई मजा ही नहीं आता, सामने कोई दिखाई नहीं पड़ता। आप 5 साल के छोटे बच्चों को पूछो कि कौन चुन के आएगा, वो कहता है बीजेपी शिवसेना रिपाई महायुति चुनकर आएगी और इसी की सरकार आएगी। अब तो केवल इतना गिनना बाकी है, 220 सीटें आएगी या 240 सीटें आएगी, इसके सिवा किसी के मन में कोई संशय नहीं बचा, शंका नहीं बची। और इसलिए हमको समझ में नहीं आता, हम लड़े तो लड़े किससे? देखिए कांग्रेस पार्टी की अवस्था क्या है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो पहले ही हार मान ली। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी छुट्टियां मनाने बैंकॉक चले गए, वो यहाँ तो है ही नहीं। और हमारे पवार साहब की हालत तो ऐसी है, पवार साहब की पार्टी में कोई रहना ही नहीं चाहता। पवार साहब की हालत है, आगे इधर जाओ आगे उधर जाओ, बचा तो मेरे पीछे आओ, कोई उनके साथ रहने को तैयार नहीं, ऐसी हालत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। दोस्तों, अभी अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिया और मुझे ये घोषणा पत्र देखने के बाद ध्यान में आया कि इन पार्टियों को पक्का पता है कि अपनी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा घोषणा पत्र वो ही देते हैं जिनको पता है कि इसमें से कोई भी घोषणा आपको पूरी नहीं करती है। ऐसे आश्वासन दे दिए मानो दुनिया का कोई आश्वासन उन्होंने रखा नहीं। हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। मैंने तो मजाक में कहा, एक ही बात कह रहा हूं, भूल गए कि अगर हमको चुनकर देंगे तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को ताजमहल बना के देंगे, अगर हमको चुनकर देंगे तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को चांद पर एक एक प्लॉट देंगे। इतना ही कहना बाकी रहा, बाकी सारी बातें उन्होंने कह दी, क्योंकि उनको ये पता है अगले 20 सालों तक उनका राज आने वाला नहीं है। अगले 20 सालों तक मोदी जी के नेतृत्व में देश में और महायुति के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारा राज रहने वाला है। और दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में इस महाराष्ट्र में हमने बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने का काम किया। मैंने दावा कभी नहीं किया था कि हमने सारे काम कर दिए। मेरा ये कहना नहीं है कि महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है, समस्याएं जरूर है, पर एक मेरा दावा जरूर है, 15 साल
एनसीपी और कांग्रेस की सरकार यहां पर थी 15 सालों के उनके काम का हिसाब वो दे, 5 सालों के हमारे काम का हिसाब हम देंगे। और उनके 15 सालों से हमारे 5 सालों में अगर दुगना काम हमने नहीं किया तो आपके सामने वोट मांगने के लिए भी हम नहीं आएंगे। ये हमारा दावा इस महाराष्ट्र के अंदर है। आप देखिए, मैं ये जानता हूं हमारे सिंधी भाई पाकिस्तान से आए और उसके बाद यहाँ पर आकर बसे, बहुत मेहनत से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और उसके चलते बड़ी छोटी सी जगह में बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है, जिसके कारण यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम हुआ, अतिक्रमण हुआ, लोगों ने जैसी जैसी आवश्यकताएं बिल्डिंगें बांधी, लेकिन इन बिल्डिंगों को नियमित करने के लिए जो कानून बना वो कानून अधूरा था और इसके कारण इन बिल्डिंगों को हम नियमित नहीं कर पाए। पर अभी अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया और उल्लासनगर की इन बिल्डिंगों को अधिकृत करने के लिए हमने 4 FSI देने का फैसला इस उल्लासनगर में किया। पिछले समय हमने यहाँ पर करीब 80 करोड़ रुपया सीमेंट कंक्रीट के रोड के लिए दिया, इसमें से डॉल्फिन क्लब, घोटोमी घाट, गोल मैदान, चोपड़ा कोर्ट, ऐसी सारी जगह पर यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट के रोड बने, इसके लिए हमने पैसा दिया। इसके साथ साथ 85 करोड़ रुपया यहाँ पर भुयारी गटार योजना के लिए, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के लिए हमने दिया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो काम है, जिसमें हमारे यहाँ जो कचरा है उस कचरे को ठीक ढंग से उसके ऊपर प्रक्रिया हो, इसके लिए 32 करोड़ रुपए हमने दिए। यहाँ पर हमारे दलित बस्ती सुधारा के लिए 25 करोड़ रुपया हमने दिया। बहुत बड़े पैमाने पर इस उल्लासनगर में हमने पैसा देने का काम किया। अभी अभी हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे कि अब हमारी मेट्रो ये धीरे धीरे कल्याण से भिवंडी तक यहाँ पर आ गई है, पर अब सत्ता लगातार मांग उठती है कि हमारी मेट्रो जो है कि हमारी मेट्रो उल्लासनगर में भी आनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में हमारा ये फैसला है, हम मेट्रो उल्लासनगर तक लाएंगे और मेट्रो का स्टेशन जो यहाँ बनेगा उसका नाम सिद्धू नगर स्टेशन होगा। ये भी हमने तय किया हुआ है और यहाँ के लोगों को मेट्रो का फायदा देने का काम हम करेंगे। तो लेकिन आपका आशीर्वाद यही जनादेश समझ कर मैं आगे जा रहा हूँ, आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। 21 तारीख को ऐसा मतदान कीजिए 24 तारीख को सारे रिकॉर्ड टूट जाए और उल्लासनगर से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, राष्ट्रपा, साई पार्टी, ये जो हमारा गठबंधन है, इस गठबंधन के कुमार ऐलानी एक रिकॉर्ड वोट से चुन कर आए, इसके आपसे गुहार करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।